मम्मी याद नहीं आ रही पापा की। किरण कुमारी फोन लाटा कड़ी आलू। आज तो गाइस मेरी फेवरेट डिश बनी है, मतलब कड़ी। चल अपने बारे में बता दे आज अच्छा सभी को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मम्मी जी के साथ। और मम्मी क्या हाल है, गुड मॉर्निंग? ठीक हो? अभी सुबह के 9 बजे और मैं हूँ ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ। मम्मी सुबह सुबह कपड़े धोने का काम डाला है, तो गाइस बाकी देख सकते हैं मम्मी भी कपड़े वगैरह धो रहे हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ ऑफिस, और जैसे ही रूम से निकला वैसे सीधा ऑफिस आ चुका हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप लगी है आज गाइस, मौसम काफ़ी अच्छा है। और जैसे गाइस मैंने पीछे बोला कि पापा जो है चले गए हैं, और उनको अभी 2 दिन हो चुके हैं उन्हें घर से निकले। और गाइस मतलब काफ़ी ज़्यादा काम था इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया वो वाला, और वो निकल चुके हैं और बाहर होते काम पर, आप सभी को पता है मैंने बताया था। और गाइस वो होते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड यहाँ से जाने के लिए लगभग 2 दिन लग ही जाते हैं जहाँ पर उनका काम है मतलब। तो फिलहाल गाइस अभी देखते हैं क्या बनता है। मैं आ चुका हूँ ऑफिस और अभी काम वगैरह कर रहा हूँ। पर आज का जो मौसम है ना काफ़ी प्यारा है गाइस, यहाँ से सामने कितना अल्टीमेट दिख रहा है, प्यारा मतलब सुहाना सा दिख रहा है सब कुछ। सो गाइस अभी देख सकते हो मैं तो मतलब टिक के धूप सेक रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी तो यहाँ 2 दिन बाद धूप आई है, तो धूप सेकने का कुछ अलग ही मज़ा रहता है ठंड के टाइम। टाइम हो रहा है पूरे 4 बज रहे, और जैसे मैं काम कर रहा था और बीच में मुझे भूख लग पड़ी। वैसे आज लंच टाइम में खाना खाने नहीं आया था और अभी आ गया खाना खाने, और फिलहाल अभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा उसके बाद ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद निकलूंगा सीधा बाजार। और गाइस यहाँ का माहौल तो कुछ शांत सा है यार, मतलब मम्मी मेरे लिए खाना गर्म कर रहे हैं और भाई बहन तो सोए हुए हैं, सुबह के टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ही। सो गाइस जैसे ही ऑफिस से फ्री हुआ, पूरे 5 बजे फ्री हुआ, और उसके बाद जैसे आप सभी को पता है कि मैं लंच करने लेट गया था, थोड़ा खाना खाने भूख लगी थी, और वैसे ही ऑफिस गया, ऑफिस से सीधा बाजार आ गया। बाजार गाइस चक्कर मारे काफ़ी दिन हो गए थे बाजार आए, क्योंकि बिजी चल रहा था, थोड़े पीछे बिजी चल रहा था। और फिलहाल बाजार का माहौल गाइस कुछ इस तरह का है, कुछ की तरह गाइस आज भी बाजार का माहौल वैसा ही है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, शाम जल्दी हो जाती है और ठंड बस बनी रहती है। और आपके भाई ने टोपी तो परमानेंट पहननी होती है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और बाकी गाइस देखते हैं क्या ही बनता है, आप व्लॉग में बने रहिए। तो गाइस जैसे ही बाजार से फ्री हुआ और मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि वैसे गाइस कुछ मन नहीं लग रहा था बाजार में भी, मैंने सोचा क्यों ना बस स्टैंड की तरफ जाया जाए। और ये है गाइस अपने चंबा का बस स्टैंड, आप सभी को पता है। और ये है हमारे बर्गर वाले भैया। और भैया कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। और फिर क्या बन रहा है? आए हाय अमूल बटर है। तो गाइस अभी देख सकते हो भैया हमारे चने कर रहे हैं गर्मा गर्म, और लास्ट ही चने खत्म होने वाला है ना सारा माल आपका। और ये रहा बटर हमारे भैया का, और ये चने बन रहे हैं, और ये हमारे भैया, और ये हमारे भैया की रेडी। और फिलहाल गाइस यहाँ से निकलते हैं, आपको आगे जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे, और मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड जैसे आप सभी को पता है। और ये है हमारे भैया, भैया के पास आ गया हूँ पिछली वीडियो में देखा होगा। भैया ठीक हो? बढ़िया ठीक हो, ठीक चला है ना काम? बस दिहाड़ी पर। चलो बढ़िया। पीछे इनकी वीडियो डाली थी मैंने एक, तो हेल्प के रिगार्डिंग कुछ आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो नहीं देखी है तो। सो गाइस अभी रात के बज रहे 8, और मैं बाजार से फ्री होके आ चुका हूँ। बाजार में गाइस कुछ खास था नहीं आज यार, मतलब गया तो था बाजार बट बाजार से बस स्टैंड चला गया। और आज मेरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, और कुछ दिन से बिजी चल रहा हूँ तो करके आजकल थोड़ा पब्लिक में जा नहीं पा रहा हूँ, और टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, दिन भी छोटे होते हैं आप सभी को पता है। और फिलहाल अभी रूम आ चुका हूँ, और रूम आके देखते क्या ही बनता है। मम्मी तो अपना काम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल सिस्टर से मिलवाना चाहूँगा, देखते हैं अभी सिस्टर क्या कर रही है, उसके ड्रामे देखते हैं कितना चरें परें करती है वो। और अनु भाई क्या हाल है तेरे? किरण कुमारी फोन लाटा। सो गाइस अभी देख सकते हो ये रही अनु, जैसे मैं इसका व्लॉग बनाने की कोशिश की इसने फोन ही बंद कर दिया और सो गई। जैसे ही मैंने बोला कि मैं बोलो व्लॉग लगा बनाने तो वैसे ही सोगी। तो गाइस अभी देख सकते हो मतलब भाई ने तो मुझे ज्वाइन कर लिया। अनु का तो आपने हाल देखा कि नहीं आ रही थी। और भाई क्या हाल है तेरे दोस्त? अभी उठा गाइस मैंने बुलाया, मैंने बोला भाई आ जा यार बातचीत कर लेते थोड़ी, क्योंकि बातचीत किए काफ़ी टाइम हो चुका है गाइस, 2-3 दिन मैं ना मतलब रात के काफ़ी लेट आया क्योंकि काम था पीछे इसलिए मैं लेट आया। और तू अभी जागा वे? अनु क्यों नहीं आ रही व्लॉग में? ये शाय है, शाय क्या? शाय वो क्या होता है? वो क्या होता है मेरे भाई? चल अपने बारे में बता दे आज अच्छा सभी को, अपने बारे में बता दे सभी को, देखते हैं कैसे कैसे बताते हो तू, क्या करता क्या है, वैसे सभी को तो पता चले ना क्या करता है मेरा भाई। अच्छा अपना नाम बता दे, घर का नाम बता दे। सो गाइस अभी देख सकते हो मतलब भाई तो अपना नाम नहीं बता रहा, नाम घर का नाम बता दे। अच्छा अपना हैप्पी।
हैप्पी 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 तो रहता नहीं है वे तू। गाइस इसके मुंह पे ना बस ऐसे ही 24 घंटे 12 बजे होते हैं, और सबसे ना खूंखार जानवर की तरह ये है हमारे घर में। मतलब किसी को चू नहीं करने देता है, कुछ बोलने भी नहीं देता है, डांटने तक नहीं देता खुद को, मतलब पूरी चीखे मारता है फिर घर पे। और मम्मी ने भी फिलहाल ज्वाइन कर लिया है हमें, और ये है मम्मी। और मम्मी क्या हाल है? और गाइज मैं अभी फिलहाल माइक लगाया है मैंने, गाइज फिलहाल मैंने अभी माइक लगाया है, माइक से शूट कर रहा हूँ, तो आवाज़ कैसी आ रही है वो भी बताना मुझे। तो मम्मी बताओ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बैठे हैं बस। और आज क्या बनाया आपने खाने पे? कड़ी। कड़ी आलू। आज तो गाइज मेरी फेवरेट डिश बनी है, मतलब कड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसके ड्रामे देखो, ओ भाई साहब, कभी एक करता ड्रामे कभी दूसरा। पहले ये करा करता था, अभी ये आ गया, पता नहीं अभी उठ के थोड़ा माइंड फ्रेश होगा इसका तो आ गया। और मम्मी बन गया खाना? साउंड बताना कैसी आ रही है दोस्त? तू क्या, मैं तभी बोला तूने कुछ हरकतें करनी थी, ये बात मैंने बोल ली तो। और बोल तू भी कुछ, तेरे पे भी देख माइक लगा इधर, तू भी बोल दे कुछ। शॉफ है, शॉफ है, हाँ शॉफ कर रहा है तू है। अच्छा करता क्या तू? ये करता है। अच्छा अपनी फेवरेट डिश बता। चिकन। चिकन लेग पीस है। सो गाइस चिकन का बहुत शौकीन है, मैं उतना नहीं हूँ, ये बहुत शौकीन है चिकन का। और मम्मी और मेरी सिस्टर खाते नहीं है, और पापा भी खाते हैं, बट वो हमारे साथ अभी है नहीं। और मैंने आपको पीछे बताया कि मतलब जैसे ही मैं दो तीन दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था तो मैं लेट आया, और परसों दो दिन हुए उनको गए और वो निकल गए, मतलब जाते टाइम का व्लॉग भी बना नहीं पाया क्योंकि मुझे काम था तो मैं वहीं बिज़ी था और वो चले गए हैं। तो उनका जो है ना दो दिन का रास्ता है, दो दिन के बाद पहुँचते हैं जहाँ पे उनका काम है, मैंने बताया था कि उत्तराखंड में उनका काम है। तो मम्मी याद नहीं आ रही पापा की? आ रही है तो उनके साथ क्यों नहीं चले गए, उनके साथ क्यों नहीं चले गए? उनके साथ क्यों नहीं चले गए? बोलते चुप बैठ मैं कैसे जाऊं। तो गाइज मम्मी हमारे साथ ही रहने वाले हैं तो कहीं नहीं जाने वाले, बाकी देखते हैं क्या ही बनता है। और इसके बाद मैंने माइक पकड़ाया, क्या फायदा भाई तेरा माइक पकड़ने का है? जस्ट शॉफ। और इसकी हालत देखो गाइज, कॉलेज में आजकल गए छुट्टियां पड़ गई हुई हैं, वैसे तो चंबा में छुट्टियां हैं, तो मतलब इनका काम है बस सोने का काम है, इनको मुंह धोना, ये अभी मुंह धो रहा है ठीक है सुबह का। और इसके बाल देखो, इसने मुंह ही नहीं धोया सुबह का, इसके बाल चेक करो। और बाकी मैं तो अभी पहुंचा बस जस्ट, आज थोड़ा जल्दी आ गया, नहीं तो मैं तो आता हूं 9-10 बजे, इसलिए इन सभी को आज डिस्टर्ब कर रहा हूं इधर। मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको? बोरिंग लगते हैं मुझे तो। तू तो गाइज ये एक हमारी फैमिली का ऐसा इंसान है जो मेरे व्लॉग नहीं देखती है, ऐसे भी लोग हैं हमारी फैमिली में। क्या करती क्या है तू? सोने का काम करती क्या है तू वो बता। इसको कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरे व्लॉग बाकी सारे देखते फैमिली में, ये नहीं देखती है सिर्फ मेरी सिस्टर, जिस व्लॉग में ये होती है वो देखती है वो वाला व्लॉग, बाकी और इसको कोई मतलब नहीं है मेरे व्लॉग्स से। और सबसे ज़्यादा गाइज मेरे मम्मी देखते हैं मेरे व्लॉग्स, और एक एक सभी व्लॉग्स देखते हैं, मतलब जितने जैसे यूट्यूब पे, हाँ सबसे ज़्यादा ठीक वो दादू दादी, वो भी सारे सारे व्लॉग्स देखते हैं मेरे पूरे। और जितने भी मतलब यूट्यूब पे व्लॉग्स आते हैं सजेशन पे, मम्मी सबके व्लॉग देखते हैं और सभी के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। होता है ना एक मतलब कि जैसे मतलब इनका बेटा, जैसे मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ तो बाकियों के भी, बाकियों को भी ये सपोर्ट करते हैं सभी को। तो बाकी गाइस देखते हैं क्या ही बनता है, बस बातें इतनी सारी होगी। कोई कुछ बोलना चाहता है? ये बोलना चाहती है कुछ? बोलेगी कुछ? ले चल, अच्छा अपने बारे में बता दे। बता क्या बताएगा, बीमारियों का घर क्या बताएगा, 24 घंटे बस बीमार और पड़ी रहती है, बस सोई रहती है। और तू बोलना चाहेगा कुछ? कुछ नहीं, तेरी तो नींद वैसे भी नहीं जागी है, क्या कर रहा है सुबह का सोए सोए, अभी धोया मुंह तू। ठीक है इधर बहुत सारी बातें होगी, और नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। और आज का व्लॉग बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बाय कर दो, बाय कर दो सभी, बाय। ठीक है तू भी कर दे बाय।